हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों आपका बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों देखिए, पढ़ने पढ़ाने का काम हमारा आपका जारी रहेगा, उसी के साथ हम लोग हमेशा ये चीज़ रखें कि हमें अपने अंदर बिल्कुल एक एनर्जेटिक होके तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ पूरी शक्ति के साथ हम लोगों को अपनी पढ़ाई को अपने कार्य को बहुत अच्छे से करना है, ताकि हमारे किसी भी विषय में कोई भी क्षेत्र हम चुने, चाहे हमारा अपने जीवन का हो, अपना जॉब के लेकर हो, हमारा अपना कैरियर हो, उसके लिए जो भी हम लोग अपना संकल्प उठाएं और जब तक उसको पूरा ना कर लें तब तक हम रुके ना, किसी की सुने ना, और अपने काम पर पूरा फोकस रखें और पहली जिम्मेदारी हम अपना काम समझें। इसीलिए मैं कहता हूं, संकल्प से लेके आपका दृढ़ तक हमारे कार्य होना चाहिए, यानी कि आप सिद्धि शुरू करें और जब तक आप संकल्प आप ये उठा लें कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को अपने को समय पर पूरी क्लासें करनी है, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तब तक रुके ना, शांत ना हो, और अपने कार्य को अपनी पूरी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी के साथ आप सब करते रहिए, तभी आप जिस लक्ष्य को साकार करना चाहते हैं वो साकार होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही कट है, वो है केवल हार्डवर्क, ओनली हार्डवर्क। आप जितना कठिन परिश्रम करेंगे आपके अंदर उतना व्यक्तित्व निखार आता जाएगा और आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो लोगों को दिखाई देने लगेगी। तो इसलिए आप अपने कार्य को, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आपके समयबद्ध तरीके करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और ये आप संकल्प लेंगे कि हम जो भी कार्य करेंगे उसको अंतिम किए बिना नहीं रुकेंगे, बीच में उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना संकल्प उठाते हैं कि हम आज ये चैप्टर पढ़ देंगे, लेकिन होता क्या है कि वो चैप्टर अगर 5 दिन का, 2 दिन बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, 3 दिन फिर भूल जाते हैं, फिर हफ्ते में एक ही दिन ही पढ़ाई की याद आती है, 6 दिन मस्ती की याद आती है। तो मस्ती भी करनी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, सब जरूरी है इस लाइफ में, लेकिन उनके साथ बैलेंस, कि पढ़ाई अपने समय पर हो, खेलना भी अपने समय पर हो, सब चीज़ अपने समय पर हो, तो आप देखिए आप बहुत अच्छे से जिन चीज़ों का प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप अंक चाहते हैं, जो भी आपने करियर, आप जो भी चाहते हैं, आप प्रशासनिक सेवाओं में चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी आप बनना चाहते हैं, आपको उस लक्ष्य की आपको प्राप्ति होगी, ऐसी हमारी आपके लिए आपका शुभकामना है। चलिए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ध्यान देंगे सभी बच्चे आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमारे सामने हमारा पहला चैप्टर हमारे पास है और हम लोग उसका परिचय पढ़ेंगे, कि परिचय में सबसे पहले जो हमारी बुक है व्यष्टि अर्थव्यवस्था, हम इसको पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका जो विषय है, किस विषय पर अध्ययन करता है, उस पर हम लोग अपना पूरी अच्छे से अपनी चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों? और मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे बहुत अच्छे से उसको ध्यान देंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, सब बच्चे आप लोग रेडी हो जाएं अच्छे से आपका पढ़ने के लिए, चलने के लिए। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर है, अगर मैं चैप्टर की आपकी बात करूं तो हम लोग इसमें, इस चैप्टर के अंतर्गत आपका बच्चों सामान्य अर्थव्यवस्था, क्या है बच्चों? सामान्य अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, जो इसकी पहली यूनिट है वो हमारी पहली यूनिट है सामान्य अर्थव्यवस्था, यानी कि हम लोग सबसे पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी उसका सामान्य, यानी कि जो भी उसका जर्नल पार्ट है, जो सामान्य अर्थव्यवस्था है, हम सबसे पहले उसके विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बच्चों हम अपनी अर्थव्यवस्था का उसका परिचय देख रहे हैं। देखिए, कोई भी आप चैप्टर पढ़ें, कोई भी आप बुक पढ़ें, किसी भी प्रकार की चीज हो, सबसे पहले हम उसका परिचय, एक छोटी जानकारी हम लोग लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका परिचय कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, इसी को हम लोग आपका देखेंगे। और हम सामान्य अर्थव्यवस्था के जितने भी आपकी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख लेंगे। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए। चलिए आइए इसको हम लोग आपका देखते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ा करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से आपके बोर्ड पर ये चीजें सारी बहुत अच्छे से दिखाई दें। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए। मैं आपको कोई चीज, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा बतानी चाहिए, तो मैं आपको दोबारा उसका रिविजन भी कराऊंगा साथ में। ध्यान रखिए, किसी भी समाज के विषय में सोचिए, कह रहा है कोई भी आप समाज ले लीजिए, समाज मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर ले लीजिए, क्षेत्र ले लीजिए, समाज ले लीजिए, जब और उसके विषय में क्या करना है हमको सोचना है, एनालिसिस करना है। समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व
रेल सेवाओं जैसे यातायात के संसाधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके समाज के लोग हैं, कौन है बच्चों आपके समाज के लोग, यानी कि हम तुम सब, हमारा परिवार, हमारा फैमिली, हमारा देश, हमारा राज्य, ये सब क्या है? समाज के ही तो लोग हैं। और इन समाज के लोगों को आप देखेंगे, चाहे आपका खाने के लिए हो, चाहे आपके वस्त्र हो, चाहे आपके क्या हो बच्चे हो, आपके कपड़े हो, चाहे सड़क हो, रेल हो, ये सारी कैसी हैं? आपकी सेवाएं, आपकी सर्विस, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आपके यातायात के जो भी आपके संसाधन हैं, जैसे बच्चों आपकी रेल है, आपकी और कार है, आपके बस है, आपकी बाइक है, ये सब क्या है? ये यातायात के आपके संसाधन हैं जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और आपको सुगमता आपको प्रदान करते हैं। डाक सेवा है, और देखिए जो भी आपके आपके टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं और आपकी सर्विस हैं, आपकी सेवाएं हैं। अब देखिए जैसे खाना हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब चीजें क्या हैं? ये आपकी वस्तु हो गई हैं, लेकिन सेवाएं क्या हो गई बच्चों? देखिए जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए और जाके अपना इलाज कराया, तो ये क्या है? आपकी सर्विस है। किसी टीचर ने आपको पढ़ाया तो उसने क्या दी? आपको सेवा दी। क्लियर है? इनका हम लोग क्या करते हैं, इनका दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। क्या होती है बच्चों? इनकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, आप देखिए ना कि अगर जो हमको रोजमर्रा के जीवन में जिन चीजों की हमको आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें हमारे पास नहीं, क्या बच्चों होती हैं? आप एक व्यवहारिक रूप से सोचिए कि हमको जो अपने जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्या वो हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, या हमें किसी दूसरे ओर से, दूसरे माध्यम से वो चीजें हमें लेनी पड़ती हैं? तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास कुछ चीजें ही ऐसी होती हैं, बाकी हम एक दूसरे से उसको आपका खरीदते हैं, सेवा का आदान प्रदान करते हैं, और इस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी आवश्यकता है हम उस आवश्यकता को आपका अपनी पूरा करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, वस्तुओं और सेवाओं की क्या होती है बच्चों? हमें आवश्यकता होती है। क्लियर है? क्योंकि हमें कुछ चीजें आपकी चाहिए हैं, तो उनकी हम, चाहे आपकी सेवा हो, चाहे आपकी वस्तु हो, उनकी आवश्यकता तो हमें होगी। उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास ये सभी वस्तुएं नहीं होती हैं। आप कह रहे हैं कि अगर हम इनकी बात करें, इन सूचियों की हम लोग बात करें, तो ये सूची जो है आपकी इतनी लंबी हो सकती है कि ये जो आपकी वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं बच्चों एक किसी व्यक्ति के पास आपका नहीं हो सकती। यानी कि जो हमको आपकी चीजें चाहिए, क्लियर है, तो वो क्या नहीं हो सकती? ये आपका एक व्यक्ति के पास, कोई भी एक व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के पास आपका क्या हो सकती है बच्चों? ये वस्तुएं आपके नहीं हो सकती। यानी को उनको दूसरे व्यक्ति का सहारा या माध्यम उनको लेना पड़ेगा। जिनकी उससे आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है, उपभोग का मतलब है बच्चों जितनी आपकी चीजों को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, या जितनी चीजों की आपको आवश्यकता होती है, उनमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती हैं। और कह रहे कि जितनी चीज उसके पास, उसको जरूरत है, उसको उपयोग करनी है, उसमें से क्या होता है बच्चों, उसके पास कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो उसके पास क्या होती हैं, उपलब्ध होती है, यानी कि उसके पास जो है आपका रहती है। एक कृषक परिवार के पास भूमि का एक टुकड़ा। अब देखिए कोई आपके किसान आपकी फैमिली है, और देखिए बच्चों हम सब अधिकतर जो लोग हैं वो किसान आपके परिवार से ही आपका बिलोंग करते हैं, तो देखिए इनके पास क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है, यानी कि जमीन है, भूमि है, उसका एक हिस्सा उनके पास है, थोड़ा अनाज, तो कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल तथा परिवार के सदस्यों की आपकी श्रम सेवा हो सकती है। कह रहा है कि कोई आपकी, जो आपका फार्मर है, अगर उसकी फैमिली की बात करें तो उसके पास क्या हो सकता है? एक जमीन का टुकड़ा हो सकता है, थोड़ा सा उसके पास अनाज हो सकता है, और एग्रीकल्चर की जो भी आपकी मशीनरी है, उपकरण है, वो उसके पास हो सकते हैं। और कह रहा शायद ऐसा हो कि उसके पास क्या हो, एक जोड़ी बैल भी हो, और उसके पास क्या होगा, जो उसका परिवार है, जो उसके मेंबर हैं, उनके पास क्या होगी, श्रम सेवा, यानी कि काम, जो जो आपका काम करते हैं, वो क्या हो सकता है, आपकी श्रम सेवा हो सकती है। अब कह रहा है ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, एक हमको बताया है जो आपका किसान है उसके विषय में। अब कह रहा है अगर हम बात करें एक बुनकर की, बुनकर बच्चों जो
आपका कपड़ा बनाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो आपका बुनकर हैं, उनके पास क्या होगा? देखिए, एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास तथा कपड़ा बुनने के काम आने वाले उपकरण हो सकते हैं। आप कह रहे जो आपका बुनकर है, अगर हम उस बुनकर फैमिली को देखें, उस व्यक्ति पर हम लोग अगर अपनी नजर लगाए तो हमको पता लगेगा कि उस बुनकर के पास धागा हो सकता है, कुछ कपास हो सकती है, क्योंकि हम कपास का धागा बनाते हैं और धागे से क्या बनते हैं, आपके कपड़े बनते हैं। और देखिए, जो आपके कपड़े बुनने के जो उपकरण हैं, जो आपकी मशीन है, वो काम आती होंगी। तो ये सब चीजें किसके पास मिल सकती हैं हमको? जो बुनकर है, ये हमें जो है बच्चों, उसके पास ये चीजें हमको आपको क्या हो सकती है, आपको मिल सकती हैं। आगे देखते हैं, या उनके पास होती हैं। अब देखिए, स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। आप कह रहे जो भी आपकी स्थानीय, यानी कि जो आपके गांव में स्कूल हैं, आपके पास पड़ोस में जो स्कूल हैं, जो उसकी टीचर हैं, उनके पास क्या होता है कि जो उनके छात्र हैं, यानी कि स्टूडेंट, आप लोग क्लियर हैं, उनको शिक्षित करने, उनको एजुकेट करने के लिए उनके पास क्या होता है, आपका कौशल होता है, उनके पास ज्ञान होता है, स्किल होती है। क्लियर है? ठीक है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय और कोई भी संसाधन नहीं हो। अब देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ना तो जमीन है, क्लियर है बच्चों, ना पैसा है, ना उनके पास कोई आपकी बुनकर जैसे उपकरण है, ना उनके पास कुछ कपास है, ना उनके पास कुछ धागा है, यानी कि उनके पास क्या है, केवल श्रम। देखिए, आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, क्लियर है, कोई उनका कोई और कारोबार नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी दैनिक हिसाब से अपनी आपका मजदूरी करते हैं, दाढ़ी मजदूरी करते हैं, वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी बड़े कृषक के यहाँ काम करते हैं, या किसी व्यक्ति के आपका 10 दिन 5 दिन के लिए वो लोग काम करते हैं, अपनी श्रम अपनी सर्विस देते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, और वो पैसा क्या होगा, उसके परिवार के चलाने के लिए, उसके जीवन जीने की, या जो उसकी आपकी जरूरतें हैं उनको वो आपका पूरा करता होगा। यानी कि हमारे देश में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास श्रम के सिवाय उनके पास और क्या नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है, यानी कि वो किसी चीज का निर्माण, वस्तु का निर्माण आपका नहीं कर रहे। इनमें से हर निर्णय की इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग में लगाकर कुछ वस्तु और सेवा का उत्पादन कर सकती है। अब देखिए, जो भी आपकी कोई भी यूनिट हो, कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका किसान हो, चाहे एक बुनकर हो, चाहे एक आपका शिक्षक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास कुछ संसाधन है, कुछ भी आपका रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस का, उस संसाधन का वो प्रयोग कर या तो कुछ आपकी वस्तु या संसाधन, क्लियर हो गई, आपकी सेवा, उनका क्या कर सकता है, वो उत्पादन कर सकती है या उत्पादन कर सकता है। क्लियर है? आप देखिए, अगर किसान के पास जमीन है तो किसान क्या करेगा, उस जमीन में आपकी फसल उगाएगा, मेहनत करेगा, और मान लीजिए उसने गेहूं लगाया, धान लगाया, बाजरा लगाया, तो जो पैदा होगी फसल वो क्या हुआ, उसका उत्पादन हुआ, और संसाधन क्या थी, उसकी जमीन, और जमीन से उसने क्या क्या पैदा किया बच्चों, अनाज। तो वो क्या कर रहा है, अपना या तो कुछ वस्तु बना रहा है, या कुछ आपकी आपकी सर्विस दे रहा है। अब देखिए, डॉक्टर है, अगर उसने शिक्षा ली है, वो आपका पढ़ा है, तो वो लोगों का क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है, तो वो क्या है बच्चों, वो आपकी सर्विस है, वो आपकी सेवा है, ठीक है। तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तु है आपका सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिन्हें उसे आवश्यकता है। अब देखिए, मान लीजिए किसान ने गेहूं उगाया और उसे आपका कपड़ा चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस गेहूं को, उस अनाज को बाजार में बेचेगा, और उसके माध्यम से उसे क्या होगा, जो भी कुछ आपका प्राप्त होगा, क्लियर हो गया, चाहे उसे पैसा प्राप्त होगा, उस पैसे से जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिस सेवा की उसको आवश्यकता होगी, वो उसको प्राप्त करेगा, क्लियर है। ऐसा ही आपका डॉक्टर होगा, अगर डॉक्टर को अनाज की आवश्यकता होगी, तो जिसने जो आपकी सर्विस करी है, जो आपका सेवा दी है, किसी का इलाज किया है, उस पैसे के माध्यम से उन चीजों को आपका खरीद सकता है। तो इसी प्रकार जो होता है बच्चों, हमारे समाज में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ये आर्थिक क्रिया होती है, आर्थिक आपके क्रियाकलाप होते हैं, जो आपका सर्कुलेशन, आपका जो आप क्रियाकलाप जो है वो आपका निरंतर आपका चलता रहता है। क्योंकि हम आपका देख रहे हैं कि जो भी हमको अपने दैनिक जीवन में
या दिन प्रतिदिन आपकी जो हम जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो समस्त चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं होती। तो हमको दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, हमको वो आपके लेनी होती है। तो उसके लिए ये सारे ऐसे चक्र हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, और हम लोग बिल्कुल ध्यान रखते चलेंगे। अभी पहला लेक्चर आपको मिल रहा है, पहला चैप्टर है, थोड़ी स्पीड मेरी स्लो रहेगी, लेकिन जब आप चीजों को अच्छे से समझ लेंगे इंट्रोडक्शन को, फिर आपको आगे क्लास पढ़ने में समझने में इतनी कठिनाई आपको शायद सामना ना करना पड़े। क्लियर है? तथा अपने उत्पादन के एक अंश का प्रयोग कर अनेक ऐसी वस्तुओं और सेवा को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। क्या तक पढ़ लिया था? उदाहरण के लिए कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए कर सकता है। अब देखिए, जो उसने अनाज उगाया है उसको कुछ बेचकर उसको जो कुछ अन्य चीजें चाहिए वो क्या कर सकता है बच्चों, वो उसको आपका ले सकता है। कह रहे हैं, तथा बाकी के उत्पादन का विनिर्माण करके वस्त्र आवास तथा आवास या जो भी आपके अन्य आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, उसके पास मान लीजिए आपका, उसने गेहूं को आपका बेच दिया बाजार में, जो उसको आवश्यकता थी वो उसने प्राप्त किया, बाकी को वो क्या कर सकता है, अगर उसको कुछ और चीज आपकी चाहिए तो उसको भी क्या कर सकता है, वो उसके माध्यम से वो आपका प्राप्त उसको बच्चों कर सकता है। इसी प्रकार बुनकर सूत धागों से जो वस्त्र बनता है उसका विनिर्माण करके आवश्यकता अनुसार वस्तुओं एवं आपकी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपए कमा सकती है जिसका उपयोग वह उन वस्तु तथा तो सेवाओं को प्राप्त करने में आपका कर सकती है। तो बच्चों अल्टीमेटली हमको चीज समझ आ रही है कि कोई ना कोई जो व्यक्ति है जिसके पास कोई ना कोई संसाधन है, कोई ना कोई रिसोर्सेज है, वो उसका प्रयोग कर रहा है और उस प्रयोग के माध्यम से जो उसके पास स्किल है उसे किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है और उसको वो बाजार में बेच सकता है और उसके माध्यम से जो उसको अन्य चीजें आपकी चाहिए वो उनका क्या कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे हम लोगों ने अभी जो अध्यापिका है, जो आपकी टीचर है, उसका एग्जाम्पल समझा। जो आपका किसान है उसका हमने देखा, जो आपका बुनकर है हमने उसका एग्जाम्पल पढ़ा। तो ये सारे ऐसे माध्यम है, ऐसी चीजें हैं जो आपका एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करके अपनी चीजों को आपका पूरा करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, जिनकी उसे आवश्यकता है, मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूर हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई आपका रिसोर्स नहीं है, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ क्या करता है, अपना काम करता है और काम करके उसको क्या मिलता है, कुछ धन, कुछ पैसा आपको मिलता है। क्लियर है? और उससे क्या कर सकता है वो बच्चों, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जो भी उसको चीजों की जरूरत होती है, जो उसका चीजें सही है, वो आपका मजदूर जो अपना श्रम दे रहा है उस श्रम के बदले उसको पैसा मिल रहा है और उस पैसे से जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी नीड के लिए जो आपकी चीजें हैं उनको वो अपना फुलफिल अपना कर सकता है। क्लियर है? इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है। कह रहे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो वो क्या करता है, जो भी कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, उनको पूरा करने के लिए आपका क्या करता है, जो भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का अपना उपयोग करता है। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उनके उनके पास असीमित संसाधन नहीं होते हैं। यह कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। अब देखिए, आप समझेंगे कि जो आपका सब लोग हैं ऐसा मानते हैं कि जो आपके व्यक्ति हैं उस व्यक्ति को जितनी भी आपकी 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 चीजों की आवश्यकता होती है और उसको पूरा करने के लिए क्या है हमारे पास, असीमित क्या है, आपके संसाधन नहीं होते। क्लियर है? यानी कि हमको कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है। ठीक है? अब देखिए, एग्जाम्पल दिया है कि जो आपका कृषक है, जो एग्रीकल्चर आपकी फैमिली है, वो क्या कर रही है बच्चों, अनाज पैदा कर सकती है और जो उसकी मात्रा है उसकी मात्रा से क्या करेगी, जो उसको संसाधन की मात्रा चाहिए उसको नियंत्रित कर सकती है। क्लियर है बच्चों? क्या कर सकती है, उसको नियंत्रित आपका कर सकती है। ठीक है?
तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा अपना आपको ध्यान देना है और आपको आपको अच्छे से याद भी रखना है। क्लियर है? अब देखिए, चलिए इसे देखते हैं। उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों के द्वारा मात्रा में नियंत्रित, आपका क्या होती है बच्चों, आपका नियंत्रित होती है। क्लियर है? वह भी सीमित होती है और जो भी आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपका लिमिटेड ही आपको मिलेगा, आपको लिमिटेड ही आपको प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इतना बच्चों आपको क्या है बच्चों, ध्यान रखना है। तो बच्चों लेक्चर आपने पढ़ा, अब ऐसे तो हम लेक्चर रोज ही पढ़ाएंगे, लेकिन बस मैं एक चीज कहूंगा कि आप प्रॉपर सब चीजों का रिवीजन करें और एक जो आपने संकल्प लिया है, जब तक आप उसको सिद्ध नहीं कर देते, जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते, तब तक आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, आप उसको करें। तो समय भी समाप्त हो रहा है काफ़ी लंबा, आप देखिए और टीचरों की क्लास भी है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।